अश्विनी कामत। मैं मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको इजी एंड क्विक सेजवान ब्रेड। इसके लिए ये स्नैक्स का आइटम है, सुबह आप ब्रेकफास्ट के लिए भी करके खा सकते हैं और शाम को भी चाहिए तो खा सकते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है आपको बताती हूँ। ये है ब्रेड मैंने लिया है, इधर मैंने 9 ब्रेड लिया है, 9 ब्रेड के पीसेस कट कर लिए हैं। ये है 1 कप ऑनियन स्लाइस किया हुआ छोटे छोटे पीस में, और यह कैप्सिकम हाफ बाउल पीसेस किया है। ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, ये बॉईल किया है मैंने, 2 विसल मारा है और बॉईल करके रखा है। और ये है ग्रीन चिलीज, 2 to 3 लेना है आपको, तीखा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लीजिए, नहीं तो कम चाहिए तो कम लीजिए। फिर ये है चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ये है ओरेगानो 1/2 टीस्पून, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये है टोमेटो केचप मैंने लिया है, यहाँ टोमेटो केचप मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। ये है पेपर पाउडर, ये है पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, और ये है सेजवान सॉस लिया है मैंने, ये है 2 टेबलस्पून लिया है मैंने सेजवान सॉस, ये है 1-2 टीस्पून रेड चिली सॉस लिया है अभी, और स्वादानुसार नमक चाहिए। और ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स मैंने अभी एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून घी लिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहिए तो बटर भी ले सकते हैं इसे करने के लिए, कौन सा आपको अच्छा लगे वो डाल लीजिए। इसमें फर्स्ट ऑनियन पीसेस कट किया हुआ ऑनियन पीसेस डालना है, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा मत फ्राई कीजिए फ्रेंड्स। फिर इसके बाद इसमें आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, वो भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ये थोड़ा सा फ्राई होते ही कैप्सिकम पीसेस डाल लीजिए, ये ज़्यादा मत फ्राई कीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें ग्रीन चिली पीसेस डाल दीजिए, फिर से फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से। ये जल्दी जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। फिर उसमें पेपर पाउडर डाल लीजिए, उससे थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें सेजवान सॉस और रेड चिली सॉस डाल लीजिए, थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें टोमेटो सॉस जो मैंने बताया था वो डाल दीजिए। फिर इसमें कॉर्न डाल लीजिए, बॉइल्ड कॉर्न। फिर इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, क्योंकि सॉस में नमक रहता है, थोड़ा सा डाल लीजिए। इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ओरेगानो जो मैंने बोला था वो डाल लीजिए, फिर से थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा ऐसे फ्राई होते ही इसमें ब्रेड जो कट करके रखा था मैंने पीसेस वो डाल लीजिए, फिर इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप शाम के वक्त और नहीं तो सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट के लिए बना के झटपट खा सकते हैं। ये हमारा टेस्टी और इजी ब्रेड शेजवान रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अभी मैंने प्लेट में ले लिया है, ऐसे दिखेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल खामस वेज एंड नॉन वेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक अवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।